हैं माय चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग? ओके, आई होप आपको मेरी वॉइस क्लियर है, वीडियो प्रॉपरली विजिबल है, ठीक है। चलिए, तो आज हम कवर करेंगे 21 फरवरी टू 27 फरवरी, क्योंकि 11 बजे हमारी हर सैटरडे क्लास होती है वीकली करंट अफेयर्स की। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे पूरे वीक के हम एक साथ पढ़ लेंगे। तो हेलो अखिल, हेलो आदेश, हेलो वासुदेव, हेलो खुशी, हाउ आर यू गाइस? ठीक है, सेशन को स्टार्ट करें। फटाफट सब सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, दोस्तों को बता दीजिए क्लास स्टार्ट हो रही है। बहुत जल्दी मुझे लग रहा है मुझे लाइव आना पड़ेगा और सारे बच्चों की खबर लेने का वक्त जल्दी ही आ रहा है, तो जल्दी ही मैं बहुत जल्दी आप लोगों से लाइव मिलूंगी और नॉट इन क्लास, अलग से, और बहुत पिटाई करने वाली हूँ, ठीक है। तो चलिए अपने आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज नेशनल न्यूज और राष्ट्रीय समाचार। तो राष्ट्रीय समाचार में हम सबसे पहले न्यूज कौन सी देखने वाले हैं, चलिए। द धीमाजी इंजीनियरिंग कॉलेज हैव बीन इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी इन विच स्टेट, यानी धीमाजी इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में किया है? ओके, हेलो मंदीप अखिल, कल आईबीपीएस क्लर्क मेंस का एग्जाम है, उसके बाद मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, थोड़ा सा उस पर मैं कुछ काम कर रही थी इसलिए मैं आपको प्रोवाइड नहीं करवा पाई थी, ठीक है। एंड द करेक्ट आंसर इज असम। धीमाजी इंजीनियरिंग कॉलेज का इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री के द्वारा असम में किया गया था। ओके, सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज ही पढ़ाया था, वर्ल्ड्स हाईएस्ट ब्रिज चिनाब ब्रिज विल बी कंप्लीटेड बाय विच ईयर, यानी विश्व का सबसे ऊंचा पुल जो है चिनाब ब्रिज वो किस वर्ष तक पूरा हो जाएगा? ओके ओके, तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था जो चिनाब ब्रिज है उसका काम इसी साल कंप्लीट हो जाएगा, यानी 2021 इज द करेक्ट आंसर। ये कंप्लीशन के बाद दुनिया का सबसे ऊंचा, वर्ल्ड्स हाईएस्ट ब्रिज होगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इंडियन साइन लैंग्वेज दैट इज ISL या भारतीय सांकेतिक भाषा डिक्शनरी 2021 इज विच एडिशन ऑफ डिक्शनरी रिलीज बाय द गवर्नमेंट, यानी इस साल जो ISL डिक्शनरी आई है या फिर भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश आया है वो कौन सा एडिशन है? हेलो अश्विनी, आई एम गुड, थैंक यू, हाउ आर यू? ओके, तो देखिए इसमें लगभग 10,000 टर्म्स को डिफाइन किया गया है, ठीक है, और ये कौन सा एडिशन है? ये थर्ड एडिशन है, तो यानी इस बार ISL डिक्शनरी का थर्ड एडिशन आया है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैव रिसेंटली लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ कावेरी बेसिन रिफाइनरी इन विच स्टेट, यानी अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किस राज्य में कावेरी बेसिन रिफाइनरी की आधारशिला रखी गई है? देखिए गाइस, एक बात समझ लीजिए, रिसेंटली अब अगले कुछ महीनों में आपको बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी, आने वाले दिनों में तो बहुत ज्यादा मिलेगी क्योंकि आपको पता है इलेक्शन डेट आ गई है और जिन भी राज्यों में इलेक्शन है वहां काफी सारी चीजें होंगी, काफी सारे डेवलपमेंट के काम होंगे, और कावेरी बेसिन रिफाइनरी का फाउंडेशन तमिलनाडु में रखा गया है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which edition of Maritime India Summit will be inaugurated by Prime Minister Modi in virtual mode on March 2nd? तो देखिए, अभी March 2nd को Prime Minister Modi क्या करने वाले हैं? Maritime India Summit को inaugurate करने वाले हैं। ये किस नंबर का edition है या किस नंबर का आप बोल सकते हैं संस्करण है जिसका उद्घाटन किया जाएगा? ठीक है, सवाल सिंपल है, सवाल आपको कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, आपको बस ये बताना है कि इस बार कौन सा मैरीटाइम इंडिया समिट का संस्करण लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। चलिए, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सेकंड। तो इस बार सेकंड एडिशन इनॉग्रेट किया जाएगा बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी इन वर्चुअल मोड, यानी कि ऑनलाइन। ओके, क्लियर है। चलिए फिर अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल मैंने आपको आज ही पढ़ाया हुआ है।
एंड द क्वेश्चन इज अटल पर्यावरण भवन हैज बीन इनॉग्रेटेड एट विच प्लेस बाय यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर. यानी अभी हमारे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन कहां किया है? कोई बात नहीं. ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, प्रकाश जावड़ेकर. अब देखिए, प्रकाश जावड़ेकर के पास इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री से रिलेटेड क्या है, फॉरेस्ट क्लाइमेट और एनवायरमेंट मिनिस्ट्री. और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लक्षद्वीप. ठीक है, क्लियर. चलिए अगला सवाल देखते हैं. ये भी मैंने आपको आज ही पढ़ाया हुआ है. Who has inaugurated the sixth international conference on pharmaceutical and medical device sector? तो अभी छठवां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर पर किसने इनॉग्रेट किया? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अभी सिक्स्थ एडिशन हुआ है और सिक्स्थ एडिशन का इनॉग्रेशन पीयूष गोयल के द्वारा किया गया है. ठीक है, तो याद रखिएगा, करेक्ट आंसर इज पीयूष गोयल. पीयूष गोयल के पास तीन मिनिस्ट्री है, रेलवे, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर फूड अफेयर्स. तो तीन मंत्रालय इस वक्त पीयूष गोयल के पास है. यस अश्वनी. चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं. ये भी मैंने आपको आज ही पढ़ाया था. विच कैंपेन हैव बीन लॉन्च बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू इंश्योर एनर्जी सिक्योरिटी? तो अभी हाल ही में हमारी केंद्र सरकार के द्वारा ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? ठीक है, यानी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनर्जी को सेव करने के लिए कौन सा कैंपेन स्टार्ट किया है, और इस कैंपेन का नाम है गो इलेक्ट्रिक. क्या नाम है? गो इलेक्ट्रिक. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. अगला सवाल क्या है? होशंगाबाद सिटी विल बी रिनेम्ड एज नर्मदापुरम. यानी होशंगाबाद शहर का नाम अब नर्मदापुरम रख दिया गया है. होशंगाबाद सिटी इज इन विच स्टेट? होशंगाबाद शहर किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो पहले तो आपको यही याद रखना है कि अब होशंगाबाद जो है ये नर्मदापुरम के नाम से जाना जाएगा. नर्मदा का जो ओरिजिन है वो है अमरकंटक, मध्य प्रदेश, और ये होशंगाबाद भी मध्य प्रदेश में ही आता है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एमपी. क्लियर, याद रखिएगा, जहां से नर्मदा का ओरिजिन है वही है होशंगाबाद. ठीक, आइए अगला सवाल क्या है. इन विच स्टेट द 47th खजुराहो डांस फेस्टिवल हैज रिसेंटली बीन ऑर्गेनाइज. यानी अभी हाल ही में 47th खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? अब अगर आपको ये पता होगा कि खजुराहो कहां है तो आप इजिली आंसर कर पाएंगे. ठीक है, अच्छा, खजुराहो कहां है आपको पता है, ये यूनेस्को साइट है. ठीक है, और 1986 में इसको यूनेस्को में इंक्लूड किया गया था. यही एक बहुत फेमस टेंपल है जो एग्जाम में आता है, कंदारिया महादेव, और ये स्टेट है वापस से मध्य प्रदेश यानी शिवराज सिंह चौहान गवर्नमेंट का. तो एमपी इज द करेक्ट आंसर. 47th खजुराहो डांस फेस्टिवल हैज बीन रिसेंटली ऑर्गेनाइज इन मध्य प्रदेश. हाय गुरु. चलिए अगला सवाल देखते हैं. पीएम मोदी हैज इनॉग्रेटेड दी 50 मेगावाट कासरगोड सोलर पावर प्रोजेक्ट इन विच स्टेट. यानी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 50 मेगावाट का कासरगोड सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो अगर आपसे मैं ये पूछ लूं कि बेटा जरा मुझे ये बताओ कि कासरगोड सोलर पावर प्रोजेक्ट कहाँ है, तो योर आंसर इज केरला. एंड 50 मेगावाट का ये जो प्रोजेक्ट है इसका उद्घाटन केरला में ही किया गया है. क्लियर, चलिए, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. आइए अगला सवाल देखते हैं. द डिफेंस मिनिस्टर यानी कि हमारे रक्षा मंत्री जो कौन है, राजनाथ सिंह, हैज इनॉग्रेटेड द 26th एडिशन ऑफ हुनर हट इन न्यू दिल्ली. व्हाट इज द थीम? यानी रक्षा मंत्री ने नई दिल्ली में हुनर हट के 26वें संस्करण का उद्घाटन किया है. इस बार के संस्करण की थीम क्या थी? ठीक, तो अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि जरा बेटा ये बताओ कि 26th एडिशन ऑफ हुनर हट
कहां ऑर्गेनाइज किया गया? तो योर आंसर इज न्यू दिल्ली। एंड इसकी थीम थी ऑब्वियसली जो अभी हमारे देश का एक इंपॉर्टेंट मोटो चल रहा है, एंड दैट इज वोकल फॉर लोकल। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। हैदराबाद ब्लाइंड जोस्ना फनजी हैज बिकम द यंगेस्ट वुमन टू डू अ पीएचडी एट विच एज? यानी अभी हाल ही में हैदराबाद की ब्लाइंड है, उनको थोड़ी देखने में दिक्कत है, और क्या नाम है उनका, जोस्ना फनजी, इन्होंने अपनी पीएचडी क्या की है, इन्होंने अपनी पीएचडी कंप्लीट की है, इनकी एज क्या है, किस एज में इन्होंने पीएचडी को कंप्लीट किया है? नहीं नहीं गाइस, आ जाइए वापस, आ जाइए 11 बजे, ठीक है। अच्छा, जोशना फनजी जो है इनकी एज 25 साल है, और 25 साल में ये पीएचडी कंप्लीट करने वाली सबसे कम एज की महिला है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 25, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। Which state CM has recently led a foundation of Eastern India's first skill university? यानी किस राज्य के CM के द्वारा हाल ही में पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव रखी गई? ओके, देखिए अगर आपसे ये पूछा जाए कि बेटा ये बताओ कि ईस्टर्न इंडिया का पहला स्किल यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो क्या आंसर करेंगे आप? फटाफट बताइए। और ईस्टर्न इंडिया की फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी असम में है, असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने इसकी फाउंडेशन रखी है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, असम। आइए अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल आपके एग्जाम में आने के बहुत चांस हैं, एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन। मोटेरा स्टेडियम हैज बीन रिसेंटली नेम्ड आफ्टर हु अमंग द फॉलोइंग? मोटेरा स्टेडियम जो कि अहमदाबाद के गुजरात में है, अभी इसका नाम बदल दिया गया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स सरदार पटेल कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है, बट जो क्रिकेट स्टेडियम है उसका नया नाम क्या है? ठीक है, एंड द आंसर इज नरेंद्र मोदी। इस स्टेडियम की कैपेसिटी 1.32 लाख है, ठीक, याद रहेगा, सारी डिटेल्स याद रखिएगा, कुछ भी सवाल आ सकता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। हेलो निखिल, चलिए अगला सवाल देखते हैं। विच स्टेट्स गवर्नर हैज इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी? देखिए अभी मैंने पूछा था ईस्टर्न इंडियाज फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी, और यहां मेरा आपसे सवाल है डिजिटल, ठीक है, डिजिटल यूनिवर्सिटी का आंसर क्या होगा? ओके, तो इंडिया से फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी ये कहां है? केरला में, और केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। डन, तो यहां हमारी नेशनल न्यूज खत्म होती है। अब हम बढ़ेंगे अपने इंटरनेशनल न्यूज यानी अंतरराष्ट्रीय समाचार की तरफ। अंतरराष्ट्रीय समाचार में हमारी आज की पहली खबर है, द यूरोपियन यूनियन हैज हेल्ड द 11th मैक्रो इकोनॉमिक्स डायलॉग वर्चुअली विद विच कंट्री? यानी यूरोपीय संघ ने 11वीं माइक्रो इकोनॉमिक वार्ता को अभी किस देश के साथ किया? तो क्या है? आपको याद रखना है यूरोपियन यूनियन की 11th मैक्रो इकोनॉमिक्स डायलॉग हुआ, और ये डायलॉग किसके साथ हुआ? ये डायलॉग हुआ इंडिया के साथ। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा, जब भी कहीं किसी मीटिंग, किसी कॉन्फ्रेंस, किसी डायलॉग में इंडिया इन्वॉल्व होगा तो वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? With which state government IKEA has signed an MOU to invest rupees 5,500 crore? तो अभी हाल ही में IKEA ने 5,500 करोड़ रुपए का निवेश का समझौता किस राज्य सरकार के साथ किया है? IKEA दुनिया की सबसे बड़ी स्वीडन, बेसिकली क्या है, फर्नीचर कंपनीज में से है, ये स्वीडन की कंपनी है, और अभी हाल ही में इन्होंने
उत्तर प्रदेश के साथ एग्रीमेंट किया है, यानी योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट के साथ आइकिया ने 5,500 करोड़ का एग्रीमेंट किया है। क्लियर? समझ में आ गया ना? गलत मत करिएगा बेटा, जो मैं पढ़ा रही हूं उनको एग्जाम में अगर आए तो गलत नहीं करना है। अगला सवाल देखिए, विथ विच कंट्री इंडिया हैज रिसेंटली साइंड टू एग्रीमेंट ऑन वीजा फैसिलिटेशन एंड लेदर टेक्नोलॉजी। तो गाइस, जब भी हम कोई एग्रीमेंट किसी देश के साथ किसी एक पर्टिकुलर चीज पर करते हैं तो वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वीजा पर और चमड़ा पर हमने किस देश के साथ एग्रीमेंट किया है? ठीक है, एंड द करेक्ट आंसर इज यूथोपिया। ये एग्रीमेंट हमारा यूथोपिया के साथ हुआ है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वीजा एंड लेदर। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। चलिए, विच कंट्री हैज बिकम द टॉप ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन 2020, यानी 2020 में कौन सा देश भारत का शीर्ष व्यापार भागीदारी बन गया है? इस देश ने यूएस को पीछे करते हुए टॉप पर आया है, यूएस सेकंड पर है और यूएई थर्ड पर है, एंड द कंट्री इज चाइना। चीन हमारा इस बार का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, विच इज अ बिग न्यूज गाइस, क्योंकि चाइना बॉयकॉट, चाइनीज सामान को नहीं यूज करना, बहुत कुछ चल रहा है। स्टिल चाइना हमारा सबसे बड़ा ट्रेडर बना है यूएस को पीछे करते हुए। हाँ बिल्कुल, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। Which of the following has signed a pact with Greenset Norway for setting up a center of excellence for hydrogen fuel? यानी hydrogen fuel के लिए हमने एक agreement किया है, हम एक center of excellence establish कर रहे हैं, किसके साथ? Greenset Norway के साथ। तो जो हमारे देश से organization इसमें है उसका नाम क्या है? आदि तो कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, आइए तो देखिए, ये कौन है? ये है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, IOCL ने ग्रीनसेट नॉर्वे के साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हाइड्रोजन फ्यूल। गाइस, ये हाइड्रोजन फ्यूल दिमाग में रखिएगा, अगर ग्रीनसेट या IOCL पूछा जाएगा तो इनमें से एक जो भी आपसे पूछा जाएगा वो आप सही करके आएंगे। ओके, चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, यहां तक बातें, जहां फंसोगे वहां पूछना, एग्जाम में गलत नहीं करके आना। अगला सवाल क्या है? विच कंट्री हैज होस्टेड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ब्रिक्स फाइनेंस सेंट्रल बैंक डेप्यूटीज अंडर इट्स 2021 चेयरमैनशिप। तो देखिए, अभी ब्रिक्स फाइनेंस सेंट्रल बैंक डेप्यूटीज की मीटिंग हुई, क्या 2021 चेयरमैनशिप के अंडर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रिक्स 2021 की चेयरमैनशिप किसके पास है, किसके पास है? इंडिया के पास है, एब्सोल्युटली। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इंडिया। आपको ब्रिक्स के बारे में पता होगा, ब्रिक्स पांच देशों से मिलकर बना है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। 2009 में ये ऑर्गेनाइजेशन बना था, बाद में इसको ज्वाइन किया साउथ अफ्रीका ने, ठीक है, और तीसरी बार इंडिया को इसकी चेयरमैनशिप मिली है 2012, 16 और अब 21। तो इस बार की ब्रिक्स की जितनी भी मीटिंग्स होगी मोस्टली आपको कहां मिलेगा? इंडिया में। पिछले साल का मोस्टली रशिया में था, यस, ठीक है, आइए। तो गाइस, आप फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए, हम काफी सारे क्वेश्चन अभी करने वाले हैं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो फटाफट क्लास में पहुंच जाएं। अच्छा जी, विथ विच कंट्री इंडिया हैज रिसेंटली साइंड अ ट्रेड डील 100 मिलियन डिफेंस एग्रीमेंट। 100 मिलियन USD का डिफेंस एग्रीमेंट यानी रक्षा समझौते पर भारत ने किस देश के साथ एग्रीमेंट साइन किया है? यहां मैं आपको और एक बात बता दूं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंडर ये हमारा पहला ट्रेड एग्रीमेंट है किसी अफ्रीकन देश के साथ, और ये देश कौन सा है? एंड द कंट्री इज मॉरिशस। मॉरिशस के साथ हमने डिफेंस में 100 मिलियन USD का एग्रीमेंट किया है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर
अगला सवाल, अब अगली कैटेगरी आ गई है एंड द कैटेगरी इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। तो चलिए अपना आज का पहला खबर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैव बीन रिसेंटली ब्रॉट अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेटरी परव्यू, यानी अभी हाल ही में इनमें से किस बैंक को रिजर्व बैंक के नियामक दायरे में लाया गया है, यानी अब इस बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करेगा। ठीक है, अच्छा देखिए एक बात समझिए, ये सारे जो बैंक हैं ये ऑलरेडी क्या है, ये एसबीआई के साथ मर्ज हो चुके हैं, ये एसबीआई के एसोसिएट बैंक थे। स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम जो था ना, इसको सिक्किम गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, बट अभी इसको 2021 में आरबीआई के अंडर ला दिया गया है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम। ठीक है, हेलो नीलू, यस बिल्कुल, बाकी सारे जो थे वो 2017 में मर्ज हो चुके, आपको पता ही है मर्जर के बारे में। उसी टाइम भारतीय महिला बैंक भी मर्ज हुआ था एसबीआई में। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। ये थोड़ा सा यहां नहीं होना चाहिए था, ये गलत जगह आ गया है, बट ठीक है। द नेशनल एंथम हैज बीन प्लेड इन द नागालैंड असेंबली फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 6 decades रिसेंटली। पिछले 6 दशकों में पहली बार नागालैंड विधानसभा में राष्ट्रगान बजा है। नागालैंड को कब स्टेटहुड का टाइटल मिला था, यानी नागालैंड कब राज्य बना था। क्या हुआ खुशी? नहीं 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 प्रदीप, आपका कमेंट डेफिनेटली शो हो रहा है मुझे। अच्छा, नागालैंड जो है ये हमारे देश का 16th स्टेट बना था, 16वां राज्य बना था, और इसको स्टेटहुड का टाइटल 1 दिसंबर 1963 को मिला था। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1 दिसंबर। ठीक है, याद रहेगा, भूलेंगे नहीं ना, याद रखिएगा। बफरिंग तो नहीं हो रही नीलू, एक बार पेज को रिफ्रेश कर लीजिए। अगला सवाल देखिए, चलिए। विथ विच ऑर्गेनाइजेशन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है साइंड एन एग्रीमेंट फॉर $304 million टू इंप्रूव द पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क इन असम। ठीक है, यानी असम को अभी हाल ही में किसके द्वारा $304 million का क्या दिया गया है, पैसा दिया गया है पावर नेटवर्क को इंप्रूव करने के लिए। किसने दिया है, और ये पैसा दिया गया है AIIB के द्वारा, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। AIIB ने ये पैसा दिया है, तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकते हैं कुछ भी पॉइंट। ठीक है, यस, AIIB इज द करेक्ट आंसर। अच्छा जी, अगला सवाल क्या है? अच्छा ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च अ नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग प्लान कॉल्ड बीमा ज्योति। तो भाई बीमा ज्योति नाम का जो प्लान है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। असम को एडीबी ने दिया है ना, हम यहां बात तो जिस चीज की कर रहे हैं, पावर ट्रांसमिशन के लिए 304 मिलियन, मैंने आपको अमाउंट बताया है ना, और उस पर मैंने आपसे सवाल पूछा है। असम में फिर से आफ्सा लग गया है, यस, फॉर 6 मंथ असम में वापस से आफ्सा लग गया हुआ है। ठीक है, बीमा ज्योति जो प्लान है इसको लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा लॉन्च किया गया है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, LIC। ठीक, अगला सवाल देखिए। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज साइंड अ $68 million प्रोजेक्ट टू इंप्रूव क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन इन नागालैंड, यानी नागालैंड में स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए $68 million किसने दिया है। आफ्सा क्या है, निखिल मैं भी आपको आफ्सा के बारे में बताऊंगी, थोड़ा सा रुकिए, मैं भी आपको उसका आंसर करूंगी। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक ने $68 million नागालैंड को दिया है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है। आदित्य एक बार रिफ्रेश कर लीजिए पेज को। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं।
विच बैंक हैज लॉन्च द कॉमन पेमेंट कार्ड सिस्टम नमाम चेन्नई स्मार्ट कार्ड. नमाम चेन्नई स्मार्ट कार्ड जो एक कॉमन पेमेंट कार्ड सिस्टम के तहत लॉन्च किया गया है किस बैंक के द्वारा? हाँ यस प्रदीप, ठीक है. ये बैंक कौन सा है? ये बैंक है आईसीआईसीआई बैंक. यानी आईसीआईसीआई बैंक ने नमाम चेन्नई स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है जो चेन्नई में तो सारे पेमेंट में काम आएगा, साथ ही साथ इंडिया में भी बहुत सारे रिटेल पेमेंट के लिए काम आएगा. ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं. अगला सवाल है ICRA. अब देखिए कुछ प्रोजेक्शन हुए हैं, उसके बारे में समझ लेते हैं. ICRA has projected Indian economy growth at dash in financial year 22. यानी financial year 22 के लिए ICRA के द्वारा भारत की GDP का prediction क्या है? Okay. And the correct answer is 10.5. तो सबसे पहले याद रखिए ICRA का जो आंसर है वो है 10.5. अगली प्रेडिक्शन हमने किसकी पढ़ी थी? हमने पढ़ी थी HSBC की. तो HSBC के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए इंडिया की GDP क्या होगी? ठीक है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो हम पढ़ रहे हैं वो है HSBC. HSBC ने कितना प्रेडिक्ट किया था? और HSBC के द्वारा जो प्रेडिक्शन आया था वो आया था 11.2%. यानी HSBC ने 11.2% को प्रेडिक्ट किया था. एक और ऑर्गेनाइजेशन ने किया था जो हमने लेटेस्ट पढ़ा है, एंड दैट इज मूडीज. मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज, यानी मूडीज के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए इंडिया से GDP प्रेडिक्शन. हमने पिछले वीक में तीन पढ़ा था, मैंने आपको तीनों बता दिया है, ICRA, HSBC और मूडीज. और मूडीज के अकॉर्डिंग इट इज 13.7%. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, 13.7%. अब हम देखेंगे अवार्ड्स एंड ऑनर. काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी सारे सवाल यहां से आते हैं. विच सीरीज हैज वॉन द बेस्ट वेब सीरीज अवार्ड एट दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2021. यानी दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2021 में किस श्रृंखला को बेस्ट वेब सीरीज का अवार्ड गया है? हाँ बिल्कुल खुशी, फटाफट सबको शेयर करिए, बहुत सारे बच्चों की बहुत सारी पिटाई होने वाली है. बट अभी हम यहां पढ़ते हैं स्कैम 1992. ठीक है, तो चलिए मैं एक बार आपको दादा साहब फाल्के वाली पूरी लिस्ट रिवाइज करा देती हूँ. ठीक है, बेस्ट एक्टर फीमेल दीपिका पादुकोण, मेल अक्षय कुमार. क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस कियारा आडवाणी और क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत. बेस्ट मूवी तानाजी. बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म पैरासाइट. मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर के मेनन. डायरेक्टर अनुराग बसु. सपोर्टिंग रोल मेल विक्रम मैसे और फीमेल राधिका मदान. कॉमिक रोल कुणाल खेमू. वेब सीरीज के लिए एक्टर बॉबी देओल और वेब सीरीज के लिए एक्ट्रेस सुष्मिता सेन. वेब सीरीज स्कैम 1992, एल्बम तितलियां. उसके बाद बेस्ट टेलीविजन सीरीज कुंडली भाग. फोटोग्राफर डब्बू रत्नानी. स्टाइल डीवा दिव्या खोसला. एक्ट्रेस इन टेलीविजन सुरभि चंदना. एक्टर धीरज धूपर. परफॉर्मर ऑफ द ईयर नोरा फतेह. आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू फिल्म इंडस्ट्री धर्मेंद्र. और राइटर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन चेतन भगत. ठीक है गुरु, मैं आप लोग का आफ्सा रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स है ना उसके बारे में एंड में आपको सारे आंसर करूंगी. ठीक है, तो गाइस ये पूरी लिस्ट है दादा साहब फाल्के अवार्ड जो अभी हुआ है उसके बारे में, और यहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं. ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं. विच सिटी हैज बीन रिकॉग्नाइज एज अ 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड बाय यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के द्वारा भारत के किस शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का रिकॉग्निशन मिला है? Absolutely correct answer.
ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज हैदराबाद। तो हैदराबाद में क्या बोला गया, जो हैदराबाद आपको पता है मेट्रो सिटी है, बट फिर भी उन्होंने वहां प्लांटेशन ट्री ग्रीनरी को बना कर रखा है, उसको और बढ़ा रहे हैं, इसलिए हैदराबाद को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। जैस्मिन हैरिसन हैज बिकम द यंगेस्ट वुमेन टू रो एटलांटिक ओशन फ्रॉम विच कंट्री शी बिलोंग्स टू। यानी अभी अटलांटिक महासागर को पार करने वाली जैस्मिन हैरिसन सबसे कम उम्र की महिला बनी है। मुझे इनकी एज भी बताइएगा और मुझे इनका देश भी बताइए। ठीक है, द कंट्री इज यूनाइटेड किंगडम। किस देश से हैं ये? ब्रिटेन से हैं। इनकी एज क्या है? यस ऋषभ, ठीक है, यस एब्सोल्युटली 21 ईयर्स की हैं, ये 21 साल की हैं और इन्होंने लगभग 70 दिन में इसको पूरा क्रॉस किया है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, विच बैंक हैज वॉन द बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर इन ह्यूमन रिसोर्स एंड ऑल्सो द बेस्ट इंस्टीट्यूशन फॉर एक्सलेंस इन नर्निंग एंड डेवलपमेंट एट द 29th ग्लोबल HRD कांग्रेस अवार्ड। तो अभी 29th ग्लोबल HRD कांग्रेस अवार्ड दिया गया, वहां बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर और एक्सीलेंस इन लर्निंग का अवार्ड किसको गया है? बिल्कुल करूंगी ऋषभ जी, एंड द करेक्ट आंसर इज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। क्या है सही जवाब? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। Who among the following is one of the 12 courageous individuals named by Biden administration for the newly instituted International Anti-Corruption Champions Award? तो Biden administration के द्वारा एक award शुरू किया गया। क्या है award का नाम? International Anti-Corruption Champions Award। ये award 12 लोगों को दिया गया है, उनमें से एक भारतीय है, उनका नाम क्या है? एंड उनका नाम है अंजलि भरद्वाज। क्या नाम है? अंजलि भरद्वाज। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने भारत में RTI के लिए बहुत ही बेहतरीन काम किया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसीव द एशिया एनवायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड 2020? एशिया एनवायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड 2020 किसको मिला है? किसको मिला है? WCCB का। अब मुझे जरा WCCB का फुल फॉर्म बता दीजिए। WCCB का इस बार होली किस डेट पर पड़ रही है आदित्य? ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगली कैटेगरी देखते हैं अपॉइंटमेंट की, जो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो नेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ पुडुचेरी हु रिजाइंड रिसेंटली आफ्टर लूजिंग द कॉन्फिडेंस वोट। यानी विश्वास मत को हारने के बाद पुडुचेरी के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, उनका नाम क्या है? ठीक है, एंड द आंसर इज वी नारायण सामी। वी नारायण सामी ये पुडुचेरी के सीएम थे, पुडुचेरी में कांग्रेस गवर्नमेंट थी और वो अपना विश्वास मत नहीं प्रूव कर पाए और उनकी गवर्नमेंट गिर गई। इनको 16 चाहिए थे सीट और ये सिर्फ 11 पर ही प्रूव कर पाए और सरकार गिर गई। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हु इज द हेड ऑफ द टास्क फोर्स ऑन इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स विच रिसेंटली अप्रूव्ड द महानदी गोदावरी लिंक। ठीक है, महानदी गोदावरी लिंक जो है इसके लिए एक टास्क फोर्स बनी है इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के लिए, इसके हेड कौन है? कौन है इसके हेड? और इसके हेड हैं श्री राम वेदरे जो हैं, उनको इस कमिटी का हेड बनाया गया है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, नहीं गाइस, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गलत नहीं करके आइएगा। हु हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ TTFI
टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए के अध्यक्ष के रूप में किसे वापस से नियुक्त किया गया है, मतलब कौन वापस से अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, और आपको पता होगा हरियाणा के डेप्यूटी सीएम जो हैं, जिनका नाम है दुष्यंत चौटाला, ये वापस से अपॉइंट हुए हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दुष्यंत चौटाला। अगला सवाल देखें, मोहम्मद बजू इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। मोहम्मद बजूम अभी हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, क्या नाम है इनका, मोहम्मद बजूम। तो मोहम्मद बजूम इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नाइजर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नाइजर। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द MDG यानी मैनेजिंग डायरेक्टर जनरल, प्रबंध महानिदेशक ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB बैंक के नए प्रबंध महानिदेशक के रूप में अभी हाल ही में किसको नियुक्त किया गया है। आदित्य, आई गेस 70 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और इनका नाम है वोंग चोंग ओम। क्या नाम है, वोंग चोंग ओम। ओकुंदा इवेली WTO, विक्रम सिंह बेदी, गूगल क्लाउड इंडिया, मार्क लिटिस्टोला टाटा मोटर्स और सियोको होसेमोतो टोक्यो ओलंपिक्स। ठीक है, यस ऋषभ, अगला सवाल देखिए, इरकाली गैरब शिवेली हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, यानी इरकाली जो है ये किस देश की नए प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, इरकली काफी डिफिकल्ट सा नाम है, काफी डिफिकल्ट सा प्रोनाउंसिएशन है इनका, ये किस देश के नए प्रधानमंत्री हैं, और ये देश है जॉर्जिया। कौन सा देश है, जॉर्जिया। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जॉर्जिया। अगला सवाल देखिए, विच एक्टर है साइंड एज द एग्रीकल्चर एम्बेसडर ऑफ कर्नाटका गवर्नमेंट, कर्नाटका सरकार के कृषि राजदूत के रूप में किस अभिनेता को साइन किया गया है। हेलो शुभम, हाउ आर यू। यस, इनका नाम है दर्शन। क्या नाम है, दर्शन। कर्नाटका जो इंडस्ट्री है वहां काफी फेमस नाम है ये, और इनको अपॉइंट किया गया है एज अ एग्रीकल्चर एम्बेसडर। आइए अगला सवाल देखते हैं, हु हैज बीन रोब्ड इन बाई RBI फॉर अवेयरनेस कैंपेन ऑन साइबर फ्रॉड, यानी साइबर धोखाधड़ी पर जागरूकता फैलाने के लिए RBI ने इनमें से किसको नियुक्त किया है। आपको पता होगा RBI का जो ट्विटर फेस है वो कौन है, वो है अमिताभ बच्चन। ऋषभ, क्या याद करने की ट्रिक जाननी है आपको, एंड इनका नाम क्या है, इनका नाम है, क्या नाम है, देवांश शर्मा। देवांश शर्मा याद रखिएगा पंजाबी सिंगर हैं और इन्हीं को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, वायरस, एब्सोल्युटली। हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द यूनाइटेड नेशन गुडविल एम्बेसडर, संयुक्त राष्ट्र सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये वही है जिनकी फोटो देखने के लिए मुझे बोला जाता है, मैम आप थोड़ा साइड हो जाइए कि हमको फोटो दिख जाए। और ये रशियन सुपर मॉडल और फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, और इनका नाम है नतालिया वदिनोवा। नतालिया वदिनोवा रशियन सुपर मॉडल इज एंड द एम्बेसडर ऑफ UNFPA। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। Who has been appointed as the new Director General of Military Operation of Indian Army? भारतीय सेना के सैन्य संचालन महानिदेशक के रूप में अभी हाल ही में किसको नियुक्त किया गया है? ठीक है, यानी इंडियन आर्मी ने अभी सैन्य संचालन महानिदेशक के रूप में किसको अपॉइंट किया है? एंड इनका नाम है BS राजू। क्या नाम है, BS राजू। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, BS राजू। ठीक, बी, काफी कंफ्यूजन था यहाँ। ओके, आइए अगला सवाल देखते हैं, नेम द इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट
हु इज लीडिंग नासास मार्स 2020 मिशन. नासा के मार्स 2020 मिशन यानी मंगल जो मिशन है 2020, उसका नेतृत्व कौन भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को दिया गया है? अच्छा, इनका नाम है, ये नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इनका नाम है स्वाति मोहन. स्वाति मोहन इज इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट जिन्हें नासा ने मार्स 2021 मिशन की लीड दी है. आईएस ऋषभ, ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं. हु इज द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? ये बीजेपी की पंजाब यूनिट के हेड रह चुके हैं और इनका नाम क्या है? एंड इनका नाम है विजय संपला. विजय संपला इज द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट जो 2004 में बनी थी. ठीक, ओके, बढ़िया. आइए अगला सवाल देखते हैं. नेक्स्ट कैटेगरी इज स्पोर्ट्स न्यूज यानी खेल समाचार. खेल समाचार में मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर ऑल अपकमिंग एग्जामिनेशन. Who among the following has won Australian Open Women Single Final 2021? Australia वो जो ओपन है ये आपके आने वाले हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला एकल फाइनल किसने जीता? जापान की नियोमी ओसाका ने. नियोमी ओसाका आपको याद रखना है, ये जापान से आती हैं और इन्होंने फाइनल में यूएस की जेनिफर ब्रेडी को हराया है. गाइस, जो सिंगल्स हैं उनमें आपको विनर और रनर अप दोनों याद रखना है. मेन सिंगल नोवाक जोकोविच ने जीता है, ये सर्बिया से आते हैं और इन्होंने फाइनल में रशिया के डैनियल मेडवेडेव को हराया है. ठीक है, मेंस डबल फिलिप और इवान, विमेंस डबल एलिसी और आर्यन, और मिक्स डबल बरबरोरा और राजीव राम. ठीक है, 2020 अब आपको आने वाले एग्जाम्स में नहीं दिखेगा, सो प्लीज इसको याद कर लीजिए. एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और आप सही करके आने चाहिए. सिंगल्स में विनर और रनर अप दोनों याद रखिएगा. जूम कर दूं? अच्छा जी, वैसे तो मैंने नाम ले लिया है बट आप फिर भी ये लीजिए, देख लीजिए. सिंगल जोकोविच, मेंस में विमेन नियोमी ओसाका, डबल्स फिलिप और इवान, विमेन एलिसी और आर्यन, और मिक्स बरबरोरा और राजीव राम. राजीव राम यूएस प्लेयर है, ध्यान रखिएगा, ये इंडियन प्लेयर नहीं है. ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं. फिर अगला सवाल है विनय कुमार के बारे में. मैंने आज ही आपको विनय कुमार के बारे में बताया था. विनय कुमार हैज अनाउंस रिटायरमेंट रिसेंटली. ही वॉज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स? ऋषभ, वो आपका सिर्फ रेलवे में है और किसी एग्जाम में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि रेलवे का पेपर बहुत टाइम से पोस्टपोन होता हुआ आ गया है, इसलिए आपको रेलवे में 2018 के भी करंट अफेयर्स मिले हैं. ठीक है, और किसी एग्जाम में आपको 2018 के करंट अफेयर्स नहीं मिलेंगे एक्सेप्ट रेलवे. अच्छा जी, विनय कुमार ये कर्नाटका जो टीम है ना उसके कैप्टन रह चुके हैं, ये इंडियन टीम के लिए खेल चुके हैं, ये पेसर थे और ये क्रिकेट से बिलोंग करते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. इसी के साथ मैंने आपको यूसुफ पठान वाली न्यूज भी बताई थी. ऑलराउंडर यूसुफ पठान ने क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है. आइए अगला सवाल देखते हैं. Which brand has been roped in as the title sponsor of Indian Premier League for the 2021 edition? यानी इस बार के IPL का जो संस्करण आने वाला है उसका basically जो प्रायोजक है वो कौन है, sponsor कौन है? ठीक है, तो आप सबको पता होगा, न्यूज में आ चुका है, वापस से वीवो को आईपीएल की स्पॉन्सरशिप दे दी गई है. यानी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी. आपको पता है पिछली बार वीवो से स्पॉन्सरशिप ले ली गई थी और इस बार इनको वापस से स्पॉन्सरशिप दे दी गई है. पिछली बार का स्पॉन्सर था कौन? ड्रीम इलेवन. ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं. विच स्टेट इज गोइंग टू होस्ट द सेकेंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स? प्लीज कंसीडर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से. मैं आपसे यहाँ यूनिवर्सिटी गेम्स पूछ रही हूं, तो आप मुझे यूनिवर्सिटी गेम्स के हिसाब से आंसर करेंगे.
ठीक है ओके। सेकंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कर्नाटका की जैन यूनिवर्सिटी में होगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी कर्नाटका। ओके आइए अगला सवाल देखते हैं। उपुल थरंगा हैज अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट रिसेंटली, फॉर विच कंट्री ही प्लेड फॉर। उपुल थरंगा ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है, ये किस देश के लिए खेलते थे? ठीक है, ये ओपनर थे, लेफ्ट हैंडर थे, अच्छे प्लेयर थे और इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। और ये कौन से हैं? हाँ, और ये है श्रीलंका से। तो श्रीलंकन फॉर्मर ओपनर उपुल थरंगा ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। चलिए, हु हैज क्लिंच द विमेन सिंगल टाइटल एट द 82nd सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप, यानी 82nd वे सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का महिला एकल किसने जीता? अच्छा, मेन सिंगल किसने जीता है मुझे ये भी बता दीजिए। ठीक है, मेन सिंगल किसने जीता है ये भी बताइएगा मुझे। तो देखिए, फीमेल यानी कि विमेन सिंगल जीता है मनिका बत्रा ने। किसने जीता है? मनिका बत्रा ने। मेन सिंगल किसने जीता है फटाफट बताइए मुझे। क्या शरद कमल ने जीता है मेन सिंगल? आंसर करिएगा आप मुझे इसका। अच्छा जी, विच कंट्रीज विमेन बॉक्सर टीम हैज फिनिश्ड ऑन टॉप इन एड्रियाटिक पर्ल बॉक्सिंग टूर्नामेंट इन मोंटेनेग्रो? ठीक है, मोंटेनेग्रो में अभी एड्रियाटिक पर्ल बॉक्सिंग टूर्नामेंट हुआ, इसमें किस देश की टीम ने विमेन बॉक्सर्स ने टॉप किया है? ठीक है, जिसने किया है उनको 10 मेडल मिले हैं, 5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज, एंड द कंट्री इज इंडिया। इंडिया के बॉक्सर्स ने सबसे बेहतरीन परफॉर्म करते हुए फर्स्ट पोजीशन हासिल की है विथ 10 मेडल्स एंड 5 आर गोल्ड। यस अश्वनी, इस बार राजीव गांधी जो अवार्ड था उसमें एक नाम मनिका बत्रा भी थी। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। Which state or UT is hosting the second edition of Khelo India Winter Games in 2021? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पूछा था Khelo India University Games, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ Khelo India Winter Games। इसके अलावा Khelo India Games भी होता है जिसका fourth edition हरियाणा के पंचकुला में होगा, यूनिवर्सिटी गेम कर्नाटका बैंगलोर और विंटर गेम्स जम्मू एंड कश्मीर गुलमर्ग। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, तो तीनों याद रखिएगा, तीनों इस साल होंगे, आपको याद रखना यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, विंटर गुलमर्ग और खेलो इंडिया गेम पंचकुला हरियाणा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगली कैटेगरी है हमारी डिफेंस एंड साइंस की। तो डिफेंस एंड साइंस में आज की पहली खबर क्या है? Which of the following has conducted two successful launches of vertical launch short range surface to air missile developed for Indian Navy? तो अभी हाल ही में किसने दो VLSRSM का टेस्ट किया जिसको इंडियन नेवी के लिए बनाया गया है? ओके बिल्कुल ऋषभ, ठीक है, एंड द करेक्ट आंसर इज DRDO। यस, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये टेस्टिंग की गई और ये सक्सेसफुल रही। अगला सवाल देखिए डिफेंस का। इंडियन नेवी शिप प्रलय एंड मैसूर रिसेंटली पार्टिसिपेटेड इन नेवडेक्स एंड आईडेक्स 21। तो देखिए, नेवडेक्स 21 हुआ अभी रिसेंटली और आईडेक्स 21 हुआ, ठीक है, इसमें इंडिया से INS प्रलय और मैसूर गए थे। ये इवेंट कहां हुआ आपको मुझे ये बताना है, ठीक है, ये इवेंट कहां हुआ ये आप बताइए मुझे। और ये इवेंट अबू धाबी UAE में हुआ था। तो नेवडेक्स 21 और आईडेक्स 21 इसको अबू धाबी में कराया गया था और भारत से INS प्रलय और मैसूर पार्टिसिपेट किए हैं।
इसीलिए अश्वनी मैंने आपको क्लियर कर दिया, इसीलिए मैंने आपको क्लियर किया कि आप याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डिलीवर्ड दी 100 K9 वज्रा होविट्जर टू इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी भारतीय सेना को 100वां K9 वज्र होविट्जर किसके द्वारा अभी रिसेंटली डिलीवर किया गया है, ठीक है। हाँ यस ऋषभ, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको डेवलप किया गया है L&T के द्वारा, लर्सन एंड टर्बो। एक बात और, क्योंकि हमने मोटेरा स्टेडियम के बारे में पढ़ा, वो अभी नया बना है, तो लर्सन एंड टर्बो ने उसको भी बनाया है, ठीक है। भारत में राम मंदिर को बनाने का काम भी लर्सन एंड टर्बो को ही दिया गया है, तो रिसेंटली लर्सन एंड टर्बो को काफी सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट दिए गए हैं, ठीक। आइए अगला सवाल देखते हैं। ICGS C453 इंटरसेप्टर बोट हैज बीन रिसेंटली कमीशन इनटू सर्विसेज इन चेन्नई, विच कंपनी हैज बिल्ड द ICGS C453। यानी अभी हाल ही में ICGS C453 इंटरसेप्टर बोट को चेन्नई में कमीशन किया गया, इसको किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है, एंड द अगेन आंसर इज लर्सन एंड टर्बो। लर्सन एंड टर्बो ने इसको भी बनाया है, तो लर्सन एंड टर्बो रिसेंटली काफी न्यूज में है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अच्छा जी, चलिए अगला सवाल देखते हैं। विथ विच कंट्री द इंडियन नेवी हैज सक्सेसफुली कंडक्ट अ पैसिव एक्सरसाइज इन द अरेबियन सी। प्लीज नोट डाउन अरेबियन सी, क्योंकि हम पैसिव एक्सरसाइज काफी सारे देशों के साथ करते हैं, बट अरेबियन सी में हमने किसके साथ किया। L&T इंडियन कंपनी है, हाँ ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अरेबियन सी में हमने इसे इंडोनेशिया के साथ किया है। इसके अलावा पैसिव जो है अंडमान निकोबार एरिया में, और कहां इंडियन ओशन में, हम जापान US और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी करते हैं, ठीक। आइए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट इज बुक्स एंड ऑथर। बुक्स एंड ऑथर में फर्स्ट न्यूज क्या है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड इंडियन इकोनॉमीज ग्रेटेस्ट क्राइसिस इंपैक्ट ऑफ कोरोना वायरस एंड द रोड अहेड। यस दिव्या, एब्सोल्युटली ठीक है, इंडियन इकोनॉमीज ग्रेटेस्ट क्राइसिस, इसके ऊपर एक बुक आई है, इस बुक के राइटर कौन है, एंड द राइटर इज अरुण कुमार। अरुण कुमार के द्वारा ये बुक लिखी गई है, कोरोना वायरस जो अब तक का सबसे बड़ा क्राइसिस लेकर आया है, इसका इंडियन इकोनॉमी पे असर और आगे के रास्ते क्या होंगे। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिलीज्ड अ बुक राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा। एक बुक आई है राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा, इस पुस्तक को किसके द्वारा जारी किया गया है। अच्छा, ये बुक किसके ऊपर है और जिसके ऊपर है उनका रेजिंग डे कब होता है। सो फर्स्ट पॉइंट इज, जो मैंने आपसे क्वेश्चन में पूछा है, आंसर इज अमित शाह। अमित शाह के द्वारा इस बुक को लॉन्च किया गया है। मैंने आपसे दो सवाल और पूछे, ये जो बुक है राष्ट्र प्रथम, ये किसके लिए है, किसके 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा इसमें बताई जा रही है। यस, ये CRPF के लिए ऊपर है, क्योंकि पिछले साल 2020 में CRPF के 82 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं और CRPF 27 जुलाई को एस्टैब्लिश हुआ था, ठीक। आइए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। स्टोरीज आई मस्ट टेल द इमोशनल जर्नी ऑफ एन एक्टर इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, ठीक है। स्टोरीज आई मस्ट टेल द इमोशनल जर्नी ऑफ एक्टर, ये किसकी आत्मकथा है। वृषा वो थोड़ी सी पहले की है, ठीक है। तो देखिए, जब भी कोई ऑटोबायोग्राफी आए, जब भी कोई आत्मकथा आए, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये बुक वेटरन एक्टर कबीर बेदी की है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया अ स्कैमस्टर बॉर्न एवरी मिनट। इंडिया अ स्कैमस्टर बॉर्न एवरी मिनट, ये किसकी बुक है। ओके okay. किसकी बुक है, और इसकी राइटर है स्निग्धा पूनम।
कौन है? सिनिग्धा पूनम. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सिनिग्धा पूनम. अगला सवाल, हु इज द ऑथर ऑफ द मैवरिक मसीहा, अ पॉलिटिकल बायोग्राफी ऑन एनटीआर रिलीज बाय वाइस प्रेसिडेंट श्री एम वेंकैया नायडू. तो एम वेंकैया नायडू ने एक बुक रिलीज की किसके ऊपर? एनटीआर. एनटीआर कौन थे? आंध्र प्रदेश के सीएम रह चुके हैं. मैवरिक मसीहा, इस बुक के राइटर का नाम क्या है? यही बात कर रहे थे ना आप ऋषभ. और इस बुक के जो राइटर हैं ये बहुत फेमस जर्नलिस्ट हैं और इनका नाम है रमेश कंडुला. सॉरी गाइस, क्या नाम है? रमेश कंडुला. तो रमेश कंडुला जर्नलिस्ट हैं, काफी फेमस, और इन्होंने इस बुक को लिखा है. आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं इस बुक को रिलीज किसने किया है. तो इस बुक को रिलीज वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा किया गया है. ठीक है, आइए ऑब्चरी की तरफ बढ़ते हैं. ज्यादा सवाल अब बचे नहीं है, दो सवाल और बचे हैं. तो हमारा क्वेश्चन क्या है? सरदूल सिकंदर हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज डैश. सरदूल सिकंदर का अभी हाल ही में निधन हो गया है, कोविड के कारण इनका निधन हुआ है. ये क्या थे? यस, ठीक है. तो याद रखिएगा ये जो थे ये क्या थे? ये पंजाबी सिंगर थे. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, सिंगर गायक सरदूल सिकंदर. ठीक है, और चलिए आज का आखिरी सवाल देख लेते हैं. रिनाउंड डैश पोएट पद्मश्री विष्णु नारायण नंबोथरी हैज पास्ड अवे रिसेंटली. तो आपको मुझे बताना है कि अभी विष्णु नारायण जो बहुत ही रिनाउंड पोएट थे, किस भाषा के, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ, और ये भाषा है मलयालम. एब्सोल्युटली. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मलयालम. चलिए इंपॉर्टेंट डेज को रिवाइज करते हैं और सेशन को एंड करते हैं. तो सबसे पहले वर्ल्ड पैंगोलिन डे. वर्ल्ड पैंगोलिन डे थर्ड सैटरडे ऑफ फेब. ठीक है, ये कब होता है? थर्ड सैटरडे ऑफ फेब. इस बार थर्ड सैटरडे कब पड़ा था? ज्ञानपीठ अवॉर्डी. एब्सोल्युटली बोलू. ठीक है, कब पड़ा था जरा बताइएगा मुझे. थर्ड सैटरडे या फिर वर्ल्ड पैंगोलिन डे कब ऑब्जर्व किया गया था? उसके बाद वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 20 फरवरी को, एंड द थीम दो बार आ गई है, अ कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी. इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी, थीम फॉस्टरिंग मल्टीलिंग्वलिज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी. वर्ल्ड थिंकिंग डे 22 तारीख को, थीम इज पीस बिल्डिंग. इसके बाद वर्ल्ड स्काउट डे 22 को और सेंट्रल एक्साइज डे 24 को. तो ये 7 डेज, एक्चुअली 7 नहीं, आई गेस 6 हैं. यहां थोड़ी सी नंबरिंग की गड़बड़ हो गई है. ये टोटल 6 डेज हैं जो हमें इस वीक से याद रखने हैं, विथ थीम याद रखने हैं. ठीक, क्लियर. अब बताइए किसके क्या डाउट हैं, मैं आपके सारे डाउट को क्लियर करती हूँ. पीस बिल्डिंग, यस, पीस बिल्डिंग इज अ थीम ऑफ वर्ल्ड थिंकिंग डे. अच्छा, आफ्सा के बारे में पूछा गया था कि आफ्सा क्या है. ठीक है, देखिए आफ्सा जो है ये आर्मी, जो आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है, इसके अंडर क्या होता है? इसके अंडर के जहां भी लगता है, जिस भी जगह पर ये लगा होता है, वहां आर्मी बिना किसी रीजन के, बिना रीजन बताए, सामने वाले को अरेस्ट कर सकता है, उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है. ये स्पेशल पावर आर्म फोर्स को दिया जाता है कुछ सर्टेन एरिया में जहां ये एप्लीकेबल होता है. ऋषभ आप बोलिए जरा, मैं सुनती हूँ. गोलू ऐसा बिल्कुल भी नहीं. अच्छा, अभी रिसेंटली असम में इसको बढ़ाया गया है 6 महीने के लिए. कुछ टाइम पहले इसको नागालैंड में लगाया गया था. ये अक्सर ही जम्मू एंड कश्मीर में लगा हुआ आपको दिखता है, मणिपुर में ये लगा हुआ दिखता है. तो स्पेशली हमारे जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं,
वहां आपको आफ्सा काफी ज्यादा मिलेगा। देखिए, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि एक तो हमारी प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने, जो हमारे सरकारें थी, उन्होंने पहले तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो क्या हुआ है, उन जगहों पर एक सेंटिमेंट है, एक आप बोल सकते हैं लोग हैं जो क्या चाहते हैं, जो फ्रीडम चाहते हैं, जो खुद को अलग चाहते हैं। काफी सारे मूवमेंट वहां चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। उन्हीं सारी चीजों के कारण, अनस्टेबल होने के कारण यहाँ आफ्सा लगाया जाता है और आर्मी को ये पावर दी जाती है कि अगर आपको लगता है कि सामने वाला जो है वो कंट्री के लिए या उस स्टेट के लिए कुछ ऐसा कर रहा है जो गलत है, तो आप उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। आपको क्लैरिफाई करने की जरूरत नहीं है, बट आपको पता है इन चीज का यूज भी होता है और इसका गलत यूज भी होता है, वो हर जगह है, ठीक है। हाउ इट इज मिस यूज, सी इट, जैसे मैंने आपको बोला, मिस यूज ऐसे ही है कि कई बार लोग क्या करते हैं, उसको अगर सामने वाले ने कोई गलती नहीं की है बट उनकी मर्जी आती है तो वो एक्शन ले सकते हैं और कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, इट्स लाइक ऋषभ, सपोज मुझे आप पसंद नहीं है, मैं आर्मी में हूँ, ठीक है, मैं आर्मी में हूँ, मुझे आप पसंद नहीं है, मुझे आपके एक्शंस नहीं पसंद है, आप जो काम कर रहे हैं मुझे वो नहीं पसंद है, तो अगर मैंने आपके अगेंस्ट उस एरिया में कोई एक्शन ले लिया तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आप उसके अगेंस्ट कहीं नहीं जा सकते। मेरे पास वो पावर है कि मैं आपके अगेंस्ट कोई भी एक्शन ले सकूं। क्या हो गया ऋषभ, क्या सुना है? थैंक यू गाइस, ठीक है, चलिए फिर। नहीं ऋषभ, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए तो गाइस, फिर सेशन को यहीं खत्म करते हैं। अच्छे से पढ़िए, आने वाले एग्जाम्स को बहुत अच्छे से दीजिए, जो भी डाउट हो कभी भी पूछिए, पढ़ाई के आपके डाउट्स के लिए हमेशा अवेलेबल हूं मैं, ठीक है। तो पढ़िए, जो दिक्कत हो पूछिए, आने वाले एग्जाम्स को बहुत अच्छे से दीजिए। जिनके कल आईबीपीएस क्लर्क मेंस के एग्जाम है, बेस्ट विशेस टू देम, बहुत अच्छे से पेपर दीजिएगा, बिना घबराए बिना परेशान हुए। ऋषभ मैंने कुछ ऐसा नहीं बोला और मैं नहीं जा रही हूं, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं गोलो, फिर वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, बट जनरली कोई एक्शन नहीं लिया जाता। जैसे आपको मतलब मैं वर्ड नहीं यूज करूंगी, बट आखिर डेफिनेटली आई विल मेक अ सेशन ऑन आरबीआई, डेफिनेटली आई विल मेक, ओके। चलिए गाइस, सेशन को खत्म करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद। बट लेट मी क्लियर, देखिए जनरली हमारी आर्मी की जो होती है वो इसको कोई मिसयूज नहीं करती है, मैं आपको पहले बता दूं। ऋषभ बोलिए, अगर कुछ रह जाएगा तो मैं आपको आपको वापस से कर दूंगी, डेफिनेटली ऋषभ, मैं उस पर भी 2 सेशन जल्दी ही लेकर आऊंगी, ओके। चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर, कल संडे है तो कल का जो हमारा सेशन होगा ना, कल क्योंकि आईबीपीएस क्लर्क मेंस का एग्जाम है तो मैं जीए के क्वेश्चंस का एक सेशन लेकर आऊंगी, एग्जाम का एनालिसिस लेकर आऊंगी, बट कल हमारा नॉर्मल जो सेशंस होते हैं वो नहीं होंगे, ठीक है, बाय बाय।